आमतौर पर ऐसा होता नहीं है कि परिंदे खरीद के कोई छोड़ दे, लेकिन उसको मिशन बना लेना, ये ताकत आप में शक्ति कहाँ से आई? पैरेट को जब हम खरीद के जब उड़ाते हैं तो जब तक वो आँखों से ओझल नहीं हो जाता, जब तक ऐसा लगता है कि शायद दुनिया में इससे अच्छा कुछ काम ही नहीं हो सकता। तो ये मिशन की शुरुआत करते समय परिवार वालों का क्या रिएक्शन था आपके फैमिली में? सर, कोई भी चीज़ परिवार से ही बनती है, मतलब कुछ भी चीज़ होती है, मैं अकेला तो कुछ भी नहीं कर सकता। आज ये मिशन हमारा लगभग इंडिया के 8 से 10 शहरों में चल रहा है, तो इसमें पूरा जो सहयोग है मेरे परिवार ने दिया है, मेरे भाई ने दिया है, मेरी पत्नी ने दिया है, सभी ने घर में दिया, इवन अभी जो बच्चे मेरे छोटे हैं वो भी इस मिशन में मुझे सहयोग करते हैं। आपको ऐसी बातें पता चली जब आपने इस पर काम शुरू किया, इस चीज़ को आगे बढ़ाया, या लगा आपको कि इसे एक मिशन का स्वरूप देना चाहिए? ये खुद ब खुद ही हुआ, क्योंकि हमने कभी सपने में भी ऐसा नहीं सोचा था कि कुछ ऐसा होगा। हम तो बस अपना काम करते जा रहे थे, हमारे पास समय का अभाव था, क्योंकि मैं एक बिजनेसमैन फैमिली से हूँ पहले। अभी तो मैं रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में आया, 15 साल पहले मेरे पास समय ही नहीं होता था। DTH इंडस्ट्री से था, सर्विस सेक्टर संभालता था, तो मेरे पास मुझे 9-10 बजे अपने काम में ऑफिस में बैठना ही होता था। ये सिलसिला कहाँ तक पहुँच चुका है? क्या भोपाल तक सीमित है या फिर ये उड़ान पंख की जो आपके मिशन की उड़ान कहाँ तक है? सर, ये तो पूरे देश में पहुँच चुकी है, अहमदाबाद, हैदराबाद, पुणे, मुंबई, दिल्ली, मोस्टली मेट्रो सिटीज़ में पहुंच चुकी है। और आपको सुन के खुशी होगी कि लास्ट ईयर कोविड के टाइम हम लोग लंदन भी पहुंच गए, वहाँ भी हम लोगों ने रेस्क्यू करवाया पिंजरे के अंदर।